हाय हेलो नमस्ते, मैं अमृत कुमार राजवंशी। मैं एक नया वीडियो के साथ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो से बने रहिए। मैं अंतरिक्ष के बारे में आज नया वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सारे ही देशों की स्पेस एजेंसी इस बात का साक्ष्य ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्या अंतरिक्ष में कहीं और भी ऐसी अनुकूल स्थितियाँ मौजूद है जो कि जीवन की स्थापना में मदद कर सकें। जब बात जीवन की स्थापना की हो तो जाहिर सी बात है कि जगह भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे पृथ्वी की स्पेस में पोजीशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पृथ्वी की पोजीशन की ही देन है कि यहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ बन पाई हैं। इसी वजह से नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा पर शुरू हुई सबसे पहले चंद्रमा पर मिशन प्लान करने वाला स्पेस सेंटर नासा था। एक बात जो सबको सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि चांद से धरती की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। ये दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है, लेकिन क्यों उसे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? तो दोस्तों, इसकी दो वजह है। पहली बात तो ये धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ISRO सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफायती होते हैं, मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सकें। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। जब चीन ने 2010 में चांगई 2 मिशन चंद्रमा पर भेजा था, वह 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था। चांगई 3 भी पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटे में चांद के नजदीक पहुंच गया था। अमेरिका का अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज्यादा समय में पहुंच गया था। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ ने इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। चीन चांगझेंग 3C रॉकेट इस्तेमाल किया था। इस मिशन की लागत थी 1026 करोड़ रुपए स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक होती है, जबकि इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग कीमत 150 से 450 करोड़ तक ही होती है। आपको बता दें कि इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को अपने पहले चांद मिशन के तहत चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। इसके तहत एक ओन ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर चांद की ओर भेजे गए थे। ओन ऑर्बिटर को चांद की कक्षा पर रहना था और इम्पैक्टर को चांद की सतह से टकराना था। चंद्रयान 1.8 नवंबर 2008 को चांद की कक्षा में पहुंचा था। इस मिशन की लाइफ 2 साल थी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 386 करोड़ रुपये थी। करीब 22 दिन बाद 14 नवंबर 2008 को चांद से 102 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे चंद्रयान 1 से मून इंपैक्ट प्रोब से अलग हुआ। वह तेजी से चांद की सतह की तरफ जा रहा था। MIP को 25 मिनट लगे चांद की सतह पर गिरने में। वह 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी 1.69 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह से टकराया था। इस टकराव से मून इंपैक्ट प्रोब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, लेकिन उससे पहले मून इंपैक्ट प्रोब ने वह काम कर दिया जिसने इतिहास बना दिया, यानी कि इस मिशन ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। चांद पर पानी कहां से आया इसे लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन अब एक स्टडी में कहा गया है कि चांद पर पानी पृथ्वी से ही पहुंचा है। इस स्टडी में कहा गया है कि हो सकता है कि अरबों सालों से चंद्रमा पृथ्वी के वायुमंडल से ही पानी अपने क्रेटरों में बर्फ के रूप में जमा कर रहा है। चांद पर पत्थरों के नीचे बर्फ के नीचे पानी दबा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में जब इंसान चांद पर कॉलोनी बनाएंगे तो ये बर्फ ही उनके लिए पानी का स्रोत रहेगा। चांद के ध्रुवीय इलाकों पर क्रेटर में बर्फ का पता कई सैटेलाइट ने लगाया है, जहां का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि सौर हवाएं यहां तक पहुंचती हैं जो इसे अणु स्तर पर तोड़ सकती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि करोड़ों साल से ये बर्फ कैसे बची हुई है। यूनिवर्सिटी ओनफ अलास्का फेयरबैंक्स ने अपने शोध में कहा है कि पानी बनाने वाले आयन को चंद्रमा खींचता है क्योंकि ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के हिस्से से होकर गुजर। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों नया वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों,
पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।